2018 में 190 लोकल यूथ एक्टिव थे मिलिटेंसी को लेकर, 2017 में 126 लोग एक्टिव थे मिलिटेंसी को लेकर, और जब आप 2020 के एदाद शुमार देखते हैं तो करीबन पुलिस के खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से 2020 एक्टिव मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर में। ये है कि जो आप मस्कुलर पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आप स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस होने वाला है। मुकाम के सामने ये इश्यूज़ उजागर करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो इन इश्यूज़ का रेजोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, एक सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इससे पहले कि हम डेवलपमेंट इश्यूज़ की बात करें, मैं यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ साहब के कुछ अशार बयान करना चाहता हूँ। निसार तेरी गलियों पर ए वतन की जहाँ, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मों जान बचा के चले। ये जो अशार हैं, ये रियासत में जो आज की सूरत हाल है उसको मजमूई तौर से समराइज करते हैं। आप सब हजरात जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर में सियासी हालात बदल गए और जिसके बाद यहाँ के आवाम को वही चीज़ें देखनी पड़ी, वही चीज़ें सुननी पड़ी जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 5 अगस्त 2019 का एक ऐसा दिन है जो मौजूदा सरकार एक तारीख साज दिन मानती है, लेकिन हमारा मानना है कि ये 5 अगस्त रियासत की सियासी तारीख में एक अलमिया है और एक सियाह तरीन दिन है, क्योंकि ये वही मनहूस दिन है जिस दिन गैर जमहूरी गैर आइनी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जो खसूसी दर्जा था, जो खसूसी पहचान थी, उसको छीन लिया गया। यही वो दिन है जिस दिन हमारी रियासत को एक फुल फ्लेज स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया और दफ़ा 370 और 35A के खात्मे के साथ ऐसे कानून नाफिज किए गए जिससे यहाँ का जी शऊर आवाम दम बखूद है। आपको याद होगा जब एब्रोगेशन के टाइम पे हुकूमत ने दो अहम जस्टिफिकेशंस दी एब्रोगेशन को लेकर। पहले उन्होंने कहा कि 370 का खात्मा से यहाँ मिलिटेंसी सेपरेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब आप एदाद शुमार पे नज़र डालते हैं और जब आप ग्राउंड सिचुएशन पे नज़र डालते हैं तो मिलिटेंसी में, मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपके सामने कुछ नंबर बयान करना चाहता हूं। 2018 में 190 लोकल यूथ एक्टिव थे मिलिटेंसी को लेकर, 2017 में 126 लोग एक्टिव थे मिलिटेंसी को लेकर, और जब आप 2020 के एदाद शुमार देखते हैं तो करीबन पुलिस के खुद के स्टेटमेंट के हिसाब से 2020 एक्टिव मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से, जो आपने जस्टिफिकेशन की बात की, किसी भी तरीके से ज़मीनी सतह पे मिलिटेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हमारा मानना यह है कि जो आप मस्कुलर पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आप स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस होने वाला है। ये जो कश्मीर का मसला है, ये डायलॉग और बातचीत और रिकन्सिलिएशन से ही हल होना है। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, जब तक ये तीन प्रिंसिपल्स ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। हमें ये बोला गया कि 2019 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो जाएगी, लेकिन जब आप देखते हैं अनंतनाग के बहुत सारे डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस हैं जो दहाइयों से, ऐसे लोग पीर पंजाल से भी आते हैं, और जो इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी है उस लेवल पे ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है। साथ के साथ हमारा एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है जो भी बहुत पुराना है, शेरबाग में वाक़ा है, और उसकी बिल्डिंग भी आप सबको मालूम है वो खस्ता हाल है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर आप श्रीनगर को देखेंगे
श्रीनगर को देखेंगे, जम्मू को देखेंगे, वहाँ पे आप देखिए कम से कम 10 गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी साइड से अनंतनाग है जो सारे साउथ कश्मीर को, जो यूपी पंजाब को कैटर करता है, उसके बावजूद हमारे पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है और एक नाम का मैटरनिटी हॉस्पिटल है। शेरबाग में ही एक नया मॉडर्न फुली फर्निश हॉस्पिटल सेटअप किया जाए। साथ के साथ जो हमारा रहमत आलम हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आया था कि वहाँ पे ऑडिट से ये मालूम पड़ा है कि ये बिल्डिंग सेफ नहीं है। अगर ये सच बात है, हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द रहमत आलम हॉस्पिटल को फुली टेक ओवर करें, फंड्स वॉकसार करें और एक क्लियर टाइमलाइन के हिसाब से इस हॉस्पिटल को भी तामीर किया जाए, ताकि जो सारे साउथ कश्मीर, जो सारे पीर पंजाब की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। पानी नहीं है, आप यहाँ इस तरफ से आइए, अंजोला आप देखिए, अंचुलोरा देखिए, प्रकाशपुरा देखिए, वहाँ पे पानी नहीं है। आप चलिए यहाँ खनबल से नंदपुरा, डगपुरा, दांतर आइए, आप वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। फिर आप हमारे दूसरे इलाके दहलगाम, सिचन, चिचरीपुरा, लालन गनूर, वहाँ पे पानी नहीं। देखिए हुआ क्या है, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने वक्तन फवक्तन स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन वो स्कीम्स कभी भी ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई।